शाहरुख खान अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और फिल्म के रिलीज के बाद भी जोरों शोरों से इसकी प्रमोशन चल रही है। हैप्पी न्यू ईयर की टीम पहुंची मुंबई के गेटी गैलेक्सी में टू सी द ऑडियंसेस रिएक्शन ऑन देयर फिल्म। इस इवेंट से अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण मिसिंग थे, एज दीपिका वॉज इन बैंगलोर वेयर एज अभिषेक वॉज विद हिज स्पोर्ट्स टीम, जिसकी वजह से ही हैड टू स्किप दिस इवेंट। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स की तो इससे शाहरुख खान काफी खुश है, एज द ऑडियंस इज अप्रिशिएटिंग हिज फिल्म एंड एसआरके इज इलेटेड विद द पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ही फर्दर सेज, जब फिल्म रिलीज होती है तो बड़ा शौक है मुझे कि लोगों के साथ आके देखूँ, इस बार थोड़ी तबीयत खराब थी तो देख नहीं सका, आज थोड़ी बेहतर है, सो आई सो डू वन एंड वीक डे है सो इट्स अ नाइसर डे टू कम एंड सी एवरीवन। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इतने लोगों को जाते हुए देखा, आते हुए देखा। ट्राई ये करते हैं कि जब हॉल में पिक्चर चल रही हो चुपचाप से देखें, लेकिन वो देखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, फिर लोग अगर देख लें तो भाग जाते हैं, बहुत हवा मिल जाता है। बट वेरी नाइस, इतनी अच्छी पिक्चर लोग इतनी खुशी से देख रहे हैं और लोग खुशी देखने में बड़ा अच्छा लगता है। वहीं फराह खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया हाउ इमोशनली अटैच्ड शी इज टू दिस थिएटर इन मुंबई। मेरे लिए बहुत इमोशनल है क्योंकि बचपन में 90% फिल्में जो मैंने देखी है जिससे मैं प्रभावित हुई हूँ, भले वो अमर अकबर एंथनी हो या नासिर हुसैन, हम किसी की कमी हो, वो मैंने गेटी गैलेक्सी में देखी है। और आज जो मैं अपनी खुद की फिल्म के लिए आ रही हूँ, आई थिंक ये बहुत ही एक मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है। और वैसे यहाँ शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी अपना टेक दिया। नहीं यार, ऐसा टारगेट नहीं होता, ये ना ये बाहर से ऐसी बातें चलती है 250 करोड़ 300 करोड़, वो फिल्म का ये जो नंबर होता है ये खुद ऑडियंस की वजह से आता है। हम लोग जो बिजनेस करते हैं उनको सिर्फ ये देखना जरूरी है कि फिल्म जो है वो अच्छी तरह से रिलीज हो, लोग उसको प्यार से देख रहे हैं, वो नंबर आते रहेंगे। ये एक होड़ सी लग गई है, हम लोग खुद भी, हमारे ऑफिस वाले लोग भी कभी कभार नंबर भेजना शुरू करते हैं, आई डोंट थिंक वो ठीक है। माशाल्लाह फिल्म जो है हमको फीलिंग आती है और लोग देख रहे हैं, हॉल्स में है तो अच्छी चल रही है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर जो नंबर ख़त्म होगा तब ख़त्म होगा, आजकल वो बन गया है कि पहला नंबर दो और आखिरी नंबर दो, वीक का नंबर दो, वीकेंड का नंबर दो, और आई थिंक हमारे आसपास के लोग भी ये करते हैं। लेकिन मेन एम यही होना चाहिए कि फिल्म जो है लोगों को पसंद आए, आहिस्ता आहिस्ता नर्चर करें उसको और खुशी से आराम आराम से फिल्म लंबी चले और जितने लोग देख सकें उसको प्यार से और खुशी से दो बार देख सकें। सी मेन एम आई थिंक हर फिल्म मेकर का ही होता है कि फिल्म को दोबारा देख सकें। हमारी फिल्म लंबी है फिर भी हमको लगता है कि लोग प्यार से उसको अगले हफ्ते इस हफ्ते दोबारा देखने को आए। शाहरुख खान के अकॉर्डिंग फिल्म के कलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जनता इस फिल्म को दोबारा देखे। वेल वी होप एसआरके आपने जैसी उम्मीद रखी है इस फिल्म को लेकर वैसा ही रिस्पॉन्स आपको मिले। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई।